हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल अपीपीडिया एसएस। तो ये बताओ कंटेंट कैसा लग रहा है भाई लोग, मजा आ रहा है कुछ? मतलब शॉर्ट्स भी देखो आपको अच्छे से मिल रहे हैं ना, बड़े मजेदार वाले हैं ना। कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखा करो, मैं अभी बता रहा हूँ। और जल्दी ही ना, याद आया सॉरी कम्युनिटी पोस्ट वाली बात बीच में रोकूंगा मैं, अब जल्दी ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने वाली है, वो आ जाए वो कल आ जाए, बस आ जाए एक दो दिन में आपके पास आ जाएगी। 10 से पहले पहले कन्फर्म, आज की 6 होगी ना, मतलब दिवाली से पहले पहले आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, क्या है वो गुड न्यूज़ बताऊंगा मैं जल्दी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कम्युनिटी पोस्ट जो होती है ना हमारी, और कम्युनिटी क्वेश्चन जरूर देखा करो, कम्युनिटी पोस्ट तो छोड़ा मत करो। बिकॉज कम्युनिटी पोस्ट में क्या है, छोटे छोटे ऐसे कुछ वाइटल पॉइंट्स होते हैं ना डेली बेसिस के, जो आपको देखने चाहिए, जो आपको याद रखने चाहिए, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्लियर? चलिए, आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल। या ये को सीपीयू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके मैंने बोला था नंबर सिस्टम के कुछ लेक्चर्स जरूरी हैं आपके लिए, तो नंबर सिस्टम के कुछ लेक्चर मैंने बेसिक्स वाला पार्ट भी करवाया था। अब नंबर सिस्टम में थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आज उनको हम कहीं ना कहीं अच्छे से डिस्कस करने वाले। क्लियर? कहीं ना कहीं का मतलब इसी लेक्चर। तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए स्टूडेंट्स। क्लियर? चलिए तो चलें फिर। देखिए सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या है मेरे पास, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिलेंगे दो लिंक। सबसे पहला मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का और दूसरा मिलेगा जो मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ। क्लियर? तो प्लीज़ भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है अपने। क्लियर? चलिए चलिए भाई, क्या दिया देखो। सबसे पहला क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1365 ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर वी गेट 6 एज क्वोशेंट एंड 15 एज रिमाइंडर, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर? क्या हाउ विल यू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर? देखो दो नंबर का डिफरेंस कितना है मेरे पास, मैंने वाला एक नंबर पहला ए माइनस बी, ये कितना है मेरे पास 1365। ये क्या मेरे पास 1365, यानी दो नंबर का डिफरेंस मेरे को 1365 दिया ऑन डिवाइडिंग द लार्जर। यहां से मुझे साफ साफ पता चला ए इज ग्रेटर देन बी है। सेकंड कंडीशन क्या बोली, ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर, मतलब ऐसे करके लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। क्लियर? सिक्स एज कॉन्स्टेंट, ये सिक्स टाइम्स दिया, ये कितना है 6 times होती है। ये अगर पता है ना तो भैया बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना नंबर सिस्टम। क्लियर? ये समझ आना चाहिए आपको। तो माइनस कीजिए कितना a माइनस ऑफ 6b और वी गेट 6 एज कांस्टेंट 15 एज रिमाइंडर, यानी आपके पास a कितना आया 10 प्लस ऑफ 6b, इजंट इट? क्लियर? तो बेटा यहां से अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ इस इक्वेशन में अगर पुट करूंगा मैं, तो 15 प्लस ऑफ 6b प्लस b इज इक्वल टू कितना 1365। ठीक है जी, अगर ये इतना आ गया तो आपके पास क्या है 7b इज इक्वल टू 1365 माइनस ऑफ। क्लियर? तो क्या यहां से मेरा आंसर आ रहा है, एक बार चेक करेंगे क्या यहां से आंसर बिल्कुल सही आ रहा है मेरा। चलिए यहाँ आएगा माइनस, इक्वेशन होगी चेंज, वाज लुकिंग एट दैट। तो 5b, तो 5b की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरी 1350, ये कितना आ गया 270। अगर b 270 है तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर b 70। क्लियर? वहां प्लस की जगह सिर्फ और सिर्फ माइनस आना था मेरे पास, बिल्कुल आंसर सही था। क्लियर? चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूं मैं, होपफुली क्लियर था। चलो भाई, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 5 we get 3 as remainder, what will be remainder when square of this number is divided by 5? देखो बड़े सारे तरीके हैं, बड़े सारे शॉर्टकट इस मेथड को करने के, बट मेरे को कई बार रेंज दे देता है क्वेश्चन भाई, इस रेंज तक या कुछ ऐसा पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट दे देगा, तो उस केस में कहीं ना कहीं अगर आप पर्टिकुलर नंबर लेके चलोगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग नंबर बाय 5 मतलब देखो नंबर है मेरे पास, नंबर We will get remainder 3. देखो मैंने बोला k times गया, मुझे नहीं पता 5 1 time गया, 2 time गया, 3 time गया, कोई infinity time गया, जितने मर्जी बढ़ जितने time जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना आएगा 5k, जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे नंबर माइनस 5k कितना आ रहा है मेरे पास 3,
नंबर माइनस ऑफ 5 के कितना आ गया मेरे पास 3। नंबर मेरे पास कितना आ गया 3 प्लस ऑफ और नंबर इज इक्वल टू 5 के प्लस 3। What will be the remainder when square of this number is divisible by divided by 3? मेरे पास तो आंसर आ चुका है। देखो आप दो चीजें कर सकते हो। सबसे पहले square of that number यानी 5k plus 3 इसका square करो तो कितना आएगा भाई। देखो सारी चीजें बताऊंगा आराम आराम से बिल्कुल तसल्ली। सॉरी a plus b का whole square जाएगा a का square plus b का square plus of clear a का square plus b का square plus 2ab। तो ये कितना आएगा मेरे पास जल्दबाजी में गलती नहीं करनी बस लिख के कर लो कोई चक्कर नहीं। बस 2 5k into of तो कितना आएगा 25k square plus 9 plus 5 के 15 दूनी तो ठीक है। इस पूरे नंबर को किससे डिवाइड करना है 5 से। ये तो बोला है व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना हो गया 25k square by 5 plus 9 by 5 plus 30k by 5। यहाँ से कोई रिमाइंडर नहीं, यहाँ से कोई रिमाइंडर नहीं और ये कितना आ गया 9 by 5 that is plus 4। क्लियर। एक तो था ये तरीका, दूसरा तरीका भी है मेरे पास। हाँ दूसरा तरीका भी हमारे पास है। अब सेकंड वे ऑफ मेथड क्या है इसको करने का, बहुत इजी है। देखो मेरे पास नंबर के 5k प्लस 3 इसका स्केयर यानी 5k प्लस 3 और इसको मुझे डिवाइड किससे करना 5 से। देखो जब 5k प्लस 3 को आप डिवाइड करोगे 5 से तो आपके पास कितना रिमाइंडर आएगा इस केस में 3। इस केस में भी कितना आएगा 3। मल्टीप्लाई करो कितना आया 3 इंटू 3 9। इस 9 को 5 से करो डिवाइड आंसर इज प्लस 4। तो इतना सब कुछ करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। क्लियर। तो सीधा सीधा जो मेरे पास शॉर्टकट है वो है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन, दिस गुड क्वेश्चन, दैट वाज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्लियर। तो भैया आपका काम क्या, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आने वाली वीडियोज के लिए। क्लियर। चलिए चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है नंबर 223 इज डिविजिबल बाय भाई 223 कुछ भी हो सकता है इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। इज डिविजिबल बाय ओनली 7 ओनली 11 ओनली 13 100 बताइए जरा। चलिए नंबर 223 क्या होता है। देखो क्या है 223। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो डिविजिबिलिटी रूल अगर पता आप कर लो मुझे कोई टेंशन नहीं है, बट अगर कॉन्सेप्चुअल एक्चुअली में समझ के करना है तो और अच्छी चीज, क्योंकि ओनली वर्ड है ना ये ट्रबल क्रिएट करेगा क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हाउ विल यू राइट दिस क्वेश्चन 223 ले लो यहाँ से कॉमन कितना आ गया समझिएगा 1000 और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 1। तो क्या ये मेरे पास कितना आया 7 11 13 100 आंसर आपका क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी 1001 इज द राइट आंसर ऑफ दिस गुड क्वेश्चन। ओके सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसे कुछ ऑफली पेपर में पूछे जाते हैं तो जब पूछे तो फिर डरना नहीं है, आराम से इसने आपको ट्राई नहीं क्वेश्चन इसने आराम से आपको आंसर दे दिया। बट आपको दो चीजों पे चलना पड़ेगा, एक तो क्या आपको कॉन्सेप्ट तो कैलकुलेशन स्किल, ये दो चीजें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगे। हाँ टेक और है आपके पास प्रैक्टिस। इसी चीज के आपके स्पेक्टिस आपको ये भी करनी पड़ेगी। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा मुझे। चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए।
3^31 + 3^32 + 3^33 + 3^34 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये नंबर एक्चुअली में अगर देखा जाए किस नंबर से डिवाइड होगा आपने मुझे ये बताना है। करिए प्लीज इस क्वेश्चन को। देखो आपको सबसे पहले देखना है 3^31 + 3^32 + 3^33 ये किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, सबसे छोटी पावर को टारगेट करो, यानी इस नंबर को मैं कैसे लिखूंगा 3^31। आपको एक बता दूं, देखो a^m (a^m) ये क्या होता है a^m, या तो इसको मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बोथ द सेम थिंग, बिकॉज बेस सेम, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बेस सेम तो आपकी पावर जेड हो जाएंगी। याद रखिए, अगर आपका बेस सेम है तो आपकी पावर जेड हो जाती है, छोटी सी प्रॉपर्टी को याद रखिए, काम आएगी आप। क्या मतलब इसको कैसे लिखूंगा बेटा मैं 3^31 × 3^1, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरे पास 3^31 + 3^31 + 3^31 ठीक है जी। कोई डाउट नहीं। देखिए आप अगर 3^31 यहां से हम निकालते कॉमन तो कितना आएगा 1 + 3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^31 + 3 + 9 + 27 क्लियर 27 + 3 = 30 + 9 = 40 तो 3^31 × 40 तो क्या आंसर मेरा नन ऑफ दीज है, isn't it? अच्छा जो जो बच्चा कह रहा है आंसर नन ऑफ दीज है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं ईमानदार से, ईमानदारी की बहुत बड़ी वैल्यू है मेरी लाइफ में, सभी की लाइफ में होनी भी चाहिए। क्लियर, नहीं आंसर ये नहीं है, क्यों नहीं है अब जानो जरा वाई नन ऑफ दीज इज नॉट द राइट वन। देखो इसमें कैसे लिखूंगा 3^31 तो 40 है अपने पास, यानी इसको कैसे लिखूंगा मैं 3^1 × 3^30 × 4 × 10 कुछ ऐसे लिखूंगा। यस, तो ये कितना बना 3 × 10 कितना आ गया 30 × 3^30 × 4 तो आंसर कितना आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी, दीज आर माई प्राइम नंबर, तो इसमें प्राइम नंबर तो आई नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में डरना नहीं, करना है, अभी बता रहा हूँ डरना नहीं है, इसको आपने करना है, ध्यान रखिए। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इफ द नंबर फॉर्मड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर देन द रिजल्टिंग नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस। देखो दो चीजें हैं, आपको ऐड वाला बताऊंगा अभी मैं, सब्ट्रैक्ट वाला बताऊंगा, और सब्ट्रैक्ट वाले से कैलकुलेशन ट्रिक निकलती वो बताऊंगा मैं। क्लियर, चलिए देखते हैं इसको। देखिए नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट, मैंने बोला कोई नंबर है मेरे पास एक्स वाई। देखो प्रेजेंटेशन सुनो इसकी क्या होगी, इसकी प्रेजेंटेशन के बच्चों 10x + y होगी प्रेजेंटेशन। इफ द नंबर फॉर्मड बाय इंटरचेंजिंग, मतलब जो एक्स वाई था उसको मैं क्या लिख दूं y, जैसे 23 है इसको कैसे लिखना है बच्चों 32। क्लियर, ये कितना हो गया 10y + x, वो कह रहा है अब इन दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए, मतलब क्या लिखोगे आप 10x + y + 10y + x, तो कितना आ गया बेटा
11x plus 11 into of x plus y. तो आंसर किसने आ गया? ऑप्शन नंबर बी 11. क्या x plus y भी आ सकता था, कोई वेरिएबल दे देता आप, ठीक है, ये भी आ सकता था आंसर. चलिए ये बात तो क्लियर. अब मेरी बात सुनो, अगर इसको मैं माइनस करता हूँ तब क्या हो, यानी 10x plus y minus of 10y plus x, यानी 10x plus y minus 10y minus x, तो ये कितना हो गया 9x minus of 9y, 9 times of, ये एक्चुअली में क्या है कि अगर कोई नंबर है टू डिजिट का, उसको मैं रिवर्स कर दूं और माइनस कर दूं, देन दिस नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 9. बट यहां से मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक निकल रही है, यहां से अपने पास एक शॉर्ट ट्रिक निकलती है. वो क्या निकलती है, ध्यान से देखो. देखो भाई, मेरे पास सपोज करो कोई नंबर है 71, इसमें मुझे 17 को माइनस करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो 9 टाइम्स ऑफ x, यहां पे कितना है 7, y कितना है 7 माइनस 1, 9 इंटू 6 आंसर इज 4. जैसे 63 माइनस 36, क्या करोगे 9 इंटू ऑफ माइनस 3, तो क्या आंसर मेरा 9 गुना 3 27, जोड़ के देख लो 3 दो 5 13, इसे जोड़ के देख लो भाई 17 8 70 और 71, क्लियर. तो जब दो डिजिट रिवर्स हो जाएंगे, माइनस करके 9 आएगा, तो उसमें एक कैलकुलेशन ट्रिक भी छुपा हुआ है, क्लियर. चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चलते. बिल्कुल जी, यहाँ भी ऐसे हो, जैसे मुझे क्या करना है 71 प्लस 17 करना है, तो क्या करो 11 इंटू ऑफ 7 प्लस 1, 11 इंटू ऑफ 38. तो ये खाली एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, क्लियर. क्वेश्चन मत समझिएगा इसको, गलती मत कीजिए. सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए 101 into 103 into 105 divided by कितना 20, what will be the remainder. बहुत अच्छा क्वेश्चन, ट्राई कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को ना, किया करो ऐसे क्वेश्चन को, ट्राई करो करियर रहे. दो तरीके से बताऊंगा आपको क्वेश्चन में. देखो अपने पास क्या भाई, 101 गुना 103 गुना 105 डिवाइडेड बाय कितना है. देखो पहले सुनो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ ना, वो कहीं ना कहीं जाके काम आने वाला है, दैट इज कॉन्सेप्ट. क्या बच्चों, ये आपको कहीं ना कहीं काम आने वाला है. देखो 101 गुना 103 गुना 105 डिवाइडेड बाय 20, अगर मैं 101 को पी से डिवाइड करता हूँ, यहाँ कितना आएगा मेरे पास प्लस 1, क्लियर. 103 को 20 से डिवाइड करता हूँ कितना आएगा प्लस 3, 105 बटे 20 करता हूँ कितना आएगा प्लस 5, तो ये कितना हो 1 गुना 3 गुना 5 डिवाइडेड बाय 20, तो कितना आएगा प्लस 15 बटे 20, प्लस 15, क्लियर. चलो ये तो हो गया. अब मेरी ध्यान से बात सुनो, ये तो एक चीज़ थी, अब दूसरी चीज़ कैसे. सपोज करो किसी का दिल किया, मेरा ही दिल कर रहा है 101 गुना 3 गुना 105 बटा 20 आ गया, मैंने काट दिया 5 21 5 ओके 20, अब क्या आंसर आएगा, क्या बचा अपने पास, ध्यान से देखो 101 गुना 103 गुना 21 बटे 4, यहाँ से क्या बच रहा है प्लस 1, यहाँ से कितना बच रहा है प्लस 3, यहाँ से कितना बच रहा है प्लस 1, तो एक्चुअली में कितना बचा मेरे पास है, पीछे मल्टीप्लाई में निशान है 1 इंटू 3 टू 1 बाई 4, यानी कितना 3 बाई 4, आंसर मेरा 3 है. अब क्या मेरा आंसर नन ऑफ दिस हो गया, जो मेरा आंसर कितना आया था, सॉरी क्या मेरा आंसर अभी भी यही रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली आंसर मेरा 15 आया था. बेटा एक बात सुनना, जब आपने यहाँ पे 5 से ऊपर नीचे डिवाइड किया ना, तो एंड में भी यही करना पड़ेगा. या आप इतना संभाल के चलो, समझ के चलो कि मुझे डिवाइड किससे करना, 20 से. यहाँ किसे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 4 से. यहाँ किसे डिवाइड किया 20 से, यहाँ किसे कर रहा हूँ मैं 4 से, तो डेफिनेटली मुझे जो आंसर था वो 20 के साथ ही देना है. तो इसे क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई, तो इसे 5 से कर दो, कितना आ गया आपका
बटे बीस यानी कितना, 15 ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस इज द राइट आंसर. क्लियर. दीज क्वेश्चन आर सम प्राइसलेस क्वेश्चन, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट छुपे हैं, कुछ ऐसी मिरेकल चीजें छुपी हैं जो एग्जाम में काम आएंगे. क्लियर. चलिए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए. चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, तो मैं सोल्यूशन भी नहीं है, मतलब सोल्यूशन ही है, आई डोंट हैव ऑप्शन ही रखी मैंने. व्हाट इज द रिमाइंडर, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना उल्टा आई, ये एक्चुअली फैक्टोरियल होता है, ये फैक्टोरियल होता है. जैसे मैं लिखूं 5 फैक्टोरियल, 5 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, अगर मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, 4 गुणा, ठीक है जैसा होगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5. अब देखो मतलब 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू मतलब सारे के सारे 100 से लेके 1 तक के जितने नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. बट मुझे रिमाइंडर निकालना है इसके, इज नॉट आस्किंग अबाउट नंबर ऑफ जीरो, नथिंग एल्स, इज जस्ट आस्किंग अबाउट रिमाइंडर, बताइए कितना है. देखो सबसे पहले बात सुनो भाई, ये एक रिमाइंडर कितना होगा, एक दो रिमाइंडर, दो गुना एक, तीन की बात करेंगे, तीन गुना दो गुना एक, चार फैक्टोरियल होगा कितना, चार गुना तीन गुना दो गुना एक, फाइव फैक्टोरियल कितना होगा, पाँच गुना चार गुना तीन गुना दो, फिर सिक्स फैक्टोरियल कैसे लिखोगे, सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल मतलब पाँच चार तीन दो एक, फिर कैसे लिखोगे, सात गुना छः गुना पाँच फैक्टोरियल, और इस पूरी वैल्यू को किससे डिवाइड करना है मुझे, पाँच से. अब ध्यान से सुनेगा व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज बी कंसंट्रेटेड, पेन कॉपी छोड़ दीजिए, सुन लीजिए सनी सर क्या बता रहे हैं. अभी पी डी एस एस सी, देखो इसको मैं लिखूंगा कैसे, 1/5 प्लस 5/5 प्लस 3 इंटू 2 यानी 6/5 प्लस 4 की 12 दूनी 24 बटे 5 प्लस 5 तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 इंटू 5 इंटू, और ऐसे ऐसे चलते कहां तक चलना है मुझे, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 ऐसे ही कुछ. मेरा रिमाइंडर जीरो कब आता है, मेरा रिमाइंडर किस केस में जीरो आता है, जब मेरे पास कोई वैल्यू पूरी तरह से कट जाती है. देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, इसका मतलब चार फैक्टोरियल के बाद जो भी वैल्यूज आ रही है, कहने का मतलब क्या है, चार फैक्टोरियल के बाद जो भी मेरे पास नंबर्स आ, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9, 10, अप टू 100 फैक्टोरियल, हर में 5 मौजूद है, तो ये सारी वैल्यूज कैसे डिविजिबल है, 5 से. इसका मतलब जो मेरा मुझे आंसर देगा ना वो कौन सी वैल्यूज हैं, वो सिर्फ ये वैल्यू यानी 24, 33, तो 32 और एक 33, तो 33 बटे 5 कितना आंसर आ गया, प्लस 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर. तो 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है बच्चों. तो ध्यान रखिए कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, बट आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है इस तरह के क्वेश्चन को करते हुए. क्लियर. तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर पसंद आ रहा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया, चलो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा. इफ ईच ऑफ टू नंबर्स 5^16 एंड 5^25 आर डिवाइडेड बाय 6, देन रिमाइंडर विल बी R1 and R2 respectively. What is the value of R1 plus R2 divided by R2? कितना आंसर आएगा? चलिए देखो क्या दिए, अगर 5^16 divided by 6 and 5 की पावर कितना, 25 divided by 6, यहाँ से रिमाइंडर R1 मिल रहा है, यहाँ से रिमाइंडर R2 मिल रहा है, मुझे बताना है R1 plus R2 divided by R2 कितना होगा basically. I have to find it. देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ. देखो जैसे मेरे पास है 4 की पावर आप लगा लो 5 divided by 6, आपको रिमाइंडर बताना है, या 4 की इसको थोड़ा ऐसे लो 5 है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 माइनस 1 इसकी पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ से 5 गया कितना बचा, माइनस 1 की पावर 5, सुन लो पहले बताऊंगा क्यों ऐसा, डिवाइडेड बाय 5 तो
कितना माइनस वन बाई फाइव, तो फाइव माइनस वन कितना फोर मेरा आंसर आ गया। क्लियर। अब भाई मेरी बात सुनो, आप ध्यान से बात सुनिए। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं ये मेरे पास क्या वैल्यू है, फोर बाय फाइव, फोर इंटू फोर, फोर इंटू फोर डिवाइडेड बाई कितना पाँच। अगर मैं इसको नेगेटिव रिमाइंडर में लेके जाऊं क्या लिखूंगा इसे मैं, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, यानी माइनस वन कितनी बार, पांच बार डिवाइडेड बाय फाइव, यही तो आया था मेरे पास। तो ये सब लिखने की जरूरत ना, डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हो बट थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना, आर वन कितना आ गया मेरे पास चार। चले भाई आर टू की बात करते हैं, जरा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखो। आर टू कितना आएगा, देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं, सिक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई कितना सिक्स, बट्टा ये कितना आ गया, एक मिनट, ये फोर की पावर फाइव। अच्छा यहाँ पे मेरे को कितना मिलेगा, यहाँ चार नहीं मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा देखो, सिक्स माइनस वन की पावर सिक्सटीन डिवाइडेड बाई सिक्स, तो ये कितना आ गया माइनस वन की पावर सिक्सटीन बाय, तो ये कितना आ गया प्लस वन, तो ये कितना आ गया प्लस वन। ठीक है वो गलती से वो लिख दिया था मैंने, तो ये कितना आएगा भाई माइनस वन की पावर ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स, तो ये कितना आएगा सिक्स माइनस वन कितना फाइव, तो आर टू कितना आ गया अपने पास फाइव। अब क्या पूछ रहा है वो, आर वन प्लस आर टू यानी वन फाइव डिवाइडेड बाई आर टू फाइव, तो आंसर इज फाइव। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्लियर। तो बात अभी समझने वाली ये है कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज चलना पड़ेगा नंबर सिस्टम में, ये टाइम नंबर की तरह नहीं है कि दो सौ दस बीस पच्चीस क्वेश्चन कर लिए कॉन्सेप्ट समझ आ गया अलग कर लेंगे, बट नहीं, इसमें हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, हर क्वेश्चन में अलग चीजें आपको अप्लाई करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वही चीजें अप्लाई मैं करवा रहा हूँ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मैं भी बता दूँ, आपके यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया गया जिसे आप ज्वाइन कीजिए, इसे तो आप जानते ही हो, नहीं पता, अरे भाई क्यों नहीं पता, पता होना चाहिए, दिस इज ब्यूटीफुल एक कॉन्सेप्ट है अभी पीडीएफ एसएससी की तरफ। इसमें क्या है, आपको पूरा कोर्स नहीं खरीदना, डोंट हैव टू बाय द कंप्लीट कोर्स, आपको क्या करना है, आपको वो चीज खरीदने, वो टॉपिक खरीदना, चाहे वो आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे रीजनिंग का, जी ए जी एस, जिस मर्जी सब्जेक्ट का हो, चाहे इंग्लिश का ही क्यों ना हो, जिससे आपको डर लगता है या आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें मेरे से नहीं हो, कैसे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ये दूसरा लिंक था जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि आपको बताऊंगा। क्लियर। एग्जाम चलिए देखिए, सारे सब्सक्रिप्शन यहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ वीडियो कोर्सेज, यहाँ टेस्ट कोर्सेज और यहाँ पे माइक्रो कोर्स। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है। क्लियर। डालेंगे तो टीम आपसे जुड़ेगी, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे कॉल मी के थ्रू। देखिए बेटा, जैसे जनरल स्टडीज हो गया अपने पास, करंट जीके हो गया, कंप्यूटर जीके हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश, कोई भी टॉपिक आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ आपके सामने जनरल स्टडीज की, पूरा बंडल 884 का है। अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो 157 की, 8 आउटस्टैंडिंग लेक्चर्स हैं, 13 वेब नोट्स और 794 यानी अप्रॉक्सीमेटली 800 के अराउंड इसमें क्वेश्चन है, जिसमें प्रीवियस ईयर भी अब ऑलमोस्ट आपका डन है। क्लियर। आपके पास नेक्स्ट क्या है, इसमें 6 मिनट का ट्रायल है, 13 वेब नोट्स। वेब नोट्स क्या करेंगे, वेब नोट्स आपका थ्रेटिकल पार्ट होगा, कुछ आपके नोट्स हो सकते हैं, एक तरह से आप लगाए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, वन लाइनर हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं जो चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे कि आपके रिविजन में काम आएंगे। क्लियर। 6 मिनट का ट्रायल है, किसी भी एक वीडियो पे जाइए, 6 मिनट पूरी देखिए, कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं तो अभी बात बोलूँगा, सारी वीडियो देख लो, कुछ तो सीखने को मिलेगा 6 मिनट में। अगर कोई एक ऐसा पॉइंट आ गया जो भाई एग्जाम में हो गया, ये बात बन गई, अपना काम खत्म हो गया। क्लियर। ऐसे देखिए ज्योग्राफी का है 156 10 लेक्चर 1400 प्लस एमसीक्यूज, बिकॉज एक टाइम था ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते थे। क्लियर। इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, भाई मैं अभी भी कहूँगा जनरल साइंस जितनी इंपॉर्टेंट है कोई नहीं, जनरल साइंस से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर। तो भाई 1250 के राउंड क्वेश्चन है, 6 मिनट का ट्रायल है और 139 का है और 10 लेक्चर्स हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा आर्ट एंड कल्चर, फिर इन्वायरमेंट आ गया, फिर एमसीक्यू, नेक्स्ट है मेरे पास करंट जीके सीजीएल के लिए। क्लियर। चलिए पूरा बंडल अप्रॉक्सीमेटली 2000 प्लस का है, बट देखो मैं ये बात बोलूंगा, अगर आपकी जगह मैं होता ना, मैं आर्ट एंड कल्चर जरूर करता, जरूर करता, जरूर करता आर्ट एंड कल्चर। देखिए जैसे अवार्ड 92 के 355, पर्सन इन न्यूज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रहा है पर्सन के बारे में। क्लियर। 1031 करंट डेली करंट अफेयर्स है, 800 एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट डेज हो गया आपका, प्लेसेस हो गया, प्लेसेस से भी क्वेश्चन आ रहा है।
ठीक है, आपके प्रोग्राम में पॉलिसीज हो गई हैं, नेक्स्ट आपके बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर जेके का कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ 226 रुपए पे, 226 रुपए में अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इसलिए जैसे मैं बात करूं एप्टीट्यूड की, अभी हम नंबर सिस्टम कर रहे थे ना, देखिए जैसे मिक्सचर एलिगेशन नंबर सिस्टम 76 रुपए का 7 लेक्चर, 2 वेब नोट्स और 411 क्वेश्चन है। इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज, आप कोई भी आपका मन चाहा टॉपिक स्टूडेंट्स कर सकते हैं। क्लियर? तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लियर? इंग्लिश का भी ऐसे ही आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर? लॉजिकल रीजन है, इंग्लिश का भी आप इजीली ऐसे कर सकते हैं। तो प्लीज आपको व्हाट्सएप ग्रुप और माइक्रो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। और बाकी बच्चों को भी बताओ कि कुछ डिफरेंट मिल रहा है यार, क्वेश्चंस लेवल देखिए कितने बढ़िया तरीके से करवाया जा रहा है। थैंक यू।